नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। बड़ी खबर आ रही है, मेहुल चौकसी अरेस्ट हो गया। जी हां साहब, बड़ी खबर है। मेहुल चौकसी जो पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी था, जो भगोड़ा था, देश छोड़कर भागा था, उसे अरेस्ट कर लिया गया है, भारत लाया जा रहा है। इसी बीच ये खबर हर हिंदुस्तानी को गर्वांतित करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हिंदुस्तान काफ़ी दिनों से इस भगोड़े का इंतजार कर रहा था। चाहे वो विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो या नीरव मोदी हो, काउंटडाउन शुरू हो गया है। मेहुल चौकसी हिंदुस्तान की सरजमी पर आ रहा है। हिंदुस्तान में उसके पापों का हिसाब होगा, हिंदुस्तान के गरीबों का जो खून उसने चूसा है उसका भी हिसाब होगा, क्योंकि इसी बीच भगोड़े को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उस अरेस्ट होने से पहले वो क्या कुछ कर रहा था, समुंदर के बीचों बीच में क्या कर रहा था, हम उसे आपको दिखाने जा रहे हैं। कुछ सबूत हैं जिनको वो समुंदर के बीचों बीच मिटा रहा था, लेकिन इसी बीच अरेस्ट हो गया और सबूत मिटाने से पहले ही उसका काम तमाम हो गया। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमिनिका में पकड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक मेहुल चौकसी डोमिनिका में क्यूबा भागने की फिराक में था, उसी दौरान उसे डोमिनिका से दबोच लिया गया। माना जा रहा है कि जिस वक्त मेहुल चौकसी पुलिस गिरफ्त में आया, उस वक्त वह समुद्र के बीचों बीच में कुछ अहम दस्तावेजों को नष्ट कर रहा था। बता दें कि इंटरपोल ने उसकी गिरफ्तारी के लिए येलो नोटिस जारी कर रखा था। अब उसके भारत प्रत्यर्पण की तैयारियां हो रही हैं। उधर एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी ने भी इशारा कर दिया कि उसे सीधा भारत भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हमने डोमिनिका से कहा है कि वो गैरकानूनी रूप से डोमिनिका में प्रवेश करने पर मेहुल चौकसी पर कार्रवाई करें और उसे हमें सौंपने के बदले सीधा भारत को प्रत्यर्पित कर दें। CNN न्यूज 18 से बातचीत में डोमिनिका पुलिस ने कहा कि फिलहाल मेहुल चौकसी उसी कस्टडी में है। डोमिनिका पुलिस ने कहा कि उसे नॉर्थ डोमिनिका के ऐसे इलाके से पकड़ा गया है जहां एक भी एयरपोर्ट नहीं है। माना जा रहा है कि उसने नाव के सहारे ही डोमिनिका में एंट्री ली। स्थानीय पुलिस ने आगे बताया कि मेहुल चौकसी को डोमिनिका की राजधानी रोज की कैनफील्ड बीच पर देखा गया था। उस दौरान वह समुद्री बीच में कुछ दस्तावेजों को बहा रहा था। उसकी इस संदिग्ध गतिविधियों को देखकर पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने उससे पूछताछ की। जब पुलिस वालों ने मेहुल चौकसी से डोमिनिका आने का मकसद पूछा तो वह हक्का बक्का रह गया, उसने जवाब देने से भी इनकार कर दिया। फिलहाल मेहुल चौकसी जिन कागजात को समुद्री बीच में बहा रहा था वह क्या थे क्या नहीं, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि दस्तावेजों की तलाश के लिए पेशेवर गोताखोरों को तैनात किया गया है। शुरुआती पूछताछ में यह बात सामने आई है कि मेहुल चौकसी डोमिनिका नाव के जरिए आया था और यहाँ कुछ समय रुकने के बाद क्यूबा भागने की कोशिश में था। इधर एंटीगुआ में बरबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी ने कहा कि डोमिनिका में पकड़े गए भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। भारतीय अधिकारी डोमिनिका में उन लोगों के संपर्क में हैं। बता दें कि एक दिन पहले यह खबर आई थी कि चौकसी एंटीगुआ बरबुडा से लापता हो गया है। वहाँ की मीडिया के मुताबिक पुलिस रविवार को चौकसी की तलाश कर रही थी। मेहुल चौकसी आखिरी बार रविवार शाम 5:15 पर देखा गया था। इसके बाद उसके खिलाफ इंटरपोल येलो नोटिस जारी किया गया था। इसके तहत पड़ोसी मुल्क डोमिनिका ने उसे पकड़ लिया। NIA को दिए गए इंटरव्यू में PM ब्राउनी ने कहा कि डोमिनिका मेहुल चौकसी के प्रत्यारोपण पर सहमत हो गया है। उधर एंटीगुआ से उसे वापस स्वीकार नहीं करेगा। एंटीगुआ के PM ब्राउनी ने कहा कि उन्होंने डोमिनिका में PM स्केरिट और कानून प्रवर्तन से मेहुल चौकसी को एंटीगुआ नहीं लौटाने का अनुरोध किया है, जहां उन्हें नागरिक के रूप में कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। बता दें आपको 13,500 करोड़ रुपए के PNB घोटाले के आरोपी चौकसी जनवरी 2018 में विदेश भाग गया था। बता दें बाद में पता चला कि वह 2017 में एंटीगुआ बरबुडा की नागरिकता ले चुका था। PNB घोटाला की जाँच कर रही केंद्रीय जाँच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय चौकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी है। वह खराब सेहत का हवाला देकर भारत में पेशी पर आने से इनकार कर चुका है। वह घोटाले का मुख्य आरोपी चौकसी का भांजा नीरव मोदी लंदन की जेल में है। सबसे बड़ी बात है कि ये सारे भगोड़े इस समय देश के बाहर हैं। जैसे इनको पता चला कि इनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, किसी भी वक्त पुलिस इनको अरेस्ट कर सकती है, उससे पहले ये हिंदुस्तान से 9-2-11 हो गए। हिंदुस्तान से बड़े गुपचुप तरीके से ये विदेश भाग गए और विदेश में जाकर इन्होंने नागरिकता ले ली। अभी इस बीच हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान के अधिकारियों को
चाहे वो मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, कोई भी हो, उनको हिंदुस्तान लाने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि ये लोग अब जिस देश में रुके हैं उस देश की नागरिकता ले चुके हैं और उस देश के कानून से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ही ये लोग वापस आएंगे। लेकिन इस लड़ाई को मेहुल चौकसी जीत पाता उससे पहले उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और एंटीगुआ के सरकार प्रशासन मेहुल चौकसी नाराज़ हो गया और इसी बीच मेहुल चौकसी को वापस लेने से मना कर दिया। उधर एंटीगुआ ने सीधा भारत भेजने का ऐलान कर दिया है। भारत के अधिकारी लगातार संपर्क में हैं, किसी भी वक्त मेहुल चौकसी को हिंदुस्तान लाया जा सकता है और ये उन लोगों के लिए बड़ी खबर होगी जो कहते थे कि हिंदुस्तान के जो भगोड़े हैं वो कभी हिंदुस्तान में नहीं आएंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में आप देखेंगे हिंदुस्तान के जो भगोड़े हैं, जो ये घोटालेबाज हैं, ये किसी भी वक्त हिंदुस्तान की जेल में होंगे और जेल में ही अपने कर्मों की सजा भुगतेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।